हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके कैसे डाइजेस्ट होता है, यानी खाने का पाचन कैसे होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खाना पचाने के लिए हमारे बॉडी में कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं। तो इसमें मुंह, दांत, जीभ, फूड पाइप यानी इसोफेगस, स्टमक यानी अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी खाना पचाने में हेल्प करती है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास भी आता है। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने की प्रक्रिया मुँह से ही शुरू हो जाती है। हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा दांत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। बाद में हमारा मुंह में रहने वाले सलाइवा ग्लैंड्स यानी जो लार ग्रंथियां है उस खाने में सलाइवा यानी लार को मिलाती है, जो कि खाने में रहने वाले स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। सलाइवा के साथ में म्यूकस भी खाने में मिल जाता है, इससे खाना स्मूथ हो जाता है और ईजीली गले से होकर फूड पाइप यानी हमारे इसोफेगस से होकर स्टमक यानी अमाशय में पहुँच जाता है। अमाशय में खाने में गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे खाने को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो खाने को एसिडिक करता है और खाने में रहने वाला बैक्टीरियास को मार देता है, और पेप्सिन एक एंजाइम है वो खाने में रहने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाद में खाना छोटी आंत में चला जाता है और हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर जितनी लंबी होती है और छोटी आंत 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, जिसमें डियोडिनम, जेजुनम और इलियम होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट डियोडिनम और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है जेजुनम। यहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा लीवर होता है उसमें से निकलने वाला बाइल जूस यानी पित्त खाने में मिलता है और पेंक्रियाटिक जूस भी खाने में मिलता है। बाइल जूस खाने में रहने वाले फैट यानी चर्बी को डाइजेस्ट करता है और पेंक्रियाटिक जूस खाने में रहने वाले स्टार्च और शुगर को डाइजेस्ट करता है, और बाद में खाना छोटी आंत के इलियम पार्ट में पहुंच जाता है। अब इलियम की दीवारों में छोटी छोटी उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं, जो हमारे खाने में रहने वाले न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स खून की नलियों के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचते हैं और हमें इससे ऊर्जा मिलती है। छोटी आंत में से गुजरते लगभग खाना 90% डाइजेस्ट हो चुका होता है और ये सारी प्रोसेस होने में लगभग 2 से 2.5 घंटे जितना समय लगता है। बाद में बचा हुआ खाना हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर बचे हुए न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और बड़ी आंत में खाने में रहने वाला ज़्यादातर पानी का हिस्सा भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब लगभग हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है और अब हमारी बड़ी आंत में सिर्फ सॉलिड वेस्ट यानी मल रहता है। अब ये बचा हुआ वेस्ट सॉलिड पार्ट यानी मल बड़ी आंत के रेक्टम में यानी मलाशय में जाके स्टोर हो जाता है। अब जब भी हमें टॉयलेट लगता है तब ये वेस्ट यानी मल है वो हमारे एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको वीडियोस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।